हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का ज्योति नेचर केयर में। आज हम करने जा रहे हैं सुजोक थेरापी द्वारा कमर दर्द का ट्रीटमेंट, जिसे आप लोअर बैक पेन या डिस्क प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि सुजोक थेरापी क्या है, इसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो और आप अच्छे से समझ पाएं। इसका प्रयोग जब एक्यूप्रेशर द्वारा चिकित्सा में किया गया तो इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। तो दोस्तों, सुजोक थेरेपी के बारे में बात करें तो ये जो हमारा हाथ है, करस्पोंडस एरिया, ये हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हाथ के बीच वाली जो उंगलियां है ये पैरों को दर्शाती है, और ये साइड में जो फिंगर छोटी दी हुई है ये हाथों को दर्शाती है, और ये जो हमारा अंगूठा है ये सिर को दर्शाता है। अंगूठे के बिल्कुल पीछे वाला एरिया ये सर्वाइकल 1 से 7 को दर्शाता है। उसके नीचे थोरोसिक पड़ता है, थोरोसिक 1 से 12, और ये जो एरिया है लंबर का, और उसके नीचे है सेक्रम और कोक्सिक का एरिया, जहाँ लोअर बैक का हमें ट्रीटमेंट करना है वो एरिया ये है। यहाँ हमें वो ट्रीटमेंट करना है लोअर बैक का। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। शरीर के बाकी अंगों के पॉइंट आप देखना चाहे तो ये जो लाइन बनाया है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो एरिया कवर होता है एक लाइन ये बन गया यहाँ से, ये हमारा लंग्स का एरिया पड़ता है, और यहाँ से आप सीधा लाइन खींचोगे अंगूठे के बिल्कुल सेंटर से होते हुए सीधा नीचे तक इसको जोड़ देना है, और ये यहां से यहां तक का एरिया अंगूठे के निशान जितना, ये हमारा हार्ट का पॉइंट है, ये स्टमक, ये लास्ट वाली जो फिंगर है इसके बिल्कुल थोड़ा ऊपर, ये अपेंडिक्स का पॉइंट है। अपेंडिक्स के बाद बड़ी आंत स्टार्ट होती है, यहाँ से ये ऊपर को जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मर कॉलम है जो खाना पास करती है, ये बड़ी आंत यहाँ से नीचे सिग्मॉइड कॉलम, यहाँ से थोड़ा ऊपर को होके नीचे जाएगी, ये हमारा गुदा मार्ग का द्वारा गया, बीच में छोटी आंत, और ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ये नाभि लेवल है। यहां से ये जो एरिया पड़ता है लीवर का एरिया है, ये हमारा लीवर का पॉइंट है, और स्टमक के बिल्कुल नीचे से होके ऊपर तक पेनक्रियास पॉइंट है, पेनक्रियास का पॉइंट है, और हाथ के बिल्कुल पीछे देखेंगे तो ये जो लास्ट वाली फिंगर है यहाँ से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ हल्का सा खड्डा नजर आएगा, ये तो ये हमारा किडनी बन गया, ये भी लास्ट वाला, ये दो जो है किडनी का पॉइंट है,
और ये जो हमारे बीच वाली उंगलियां है उसके बिल्कुल पीछे ये घुटनों का पॉइंट है। अगर घुटनों में दर्द है और उसका ट्रीटमेंट करना है तो आपको ये दो पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको कमर दर्द का ट्रीटमेंट कैसे करना है। उसके लिए हमें यूज़ करना है ये मटर के दानों को। मटर के दानों से हम कमर दर्द का ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए अब देखते हैं। इलाज के लिए हमें जिस जगह पर ट्रीटमेंट करना है उस जगह पर पॉइंट ढूंढ निकालने हैं। पॉइंट कैसे निकालना है ये, इसके लिए आप डायग्नोसिस प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये डायग्नोसिस आपके पास स्टिक नहीं है तब कोई भी पेन या कोई भी हाथ से भी इसको टिक मार्क कर सकते हैं। ये जो एरिया है लंबर का उस भाग को हल्के से प्रेस करते रहना है। जहाँ भी आपको पेनफुल पॉइंट मिले उस जगह पर किसी भी मार्कर या पेन से उसे टिक मार्क करें। मैं अभी इसका डायग्नोसिस प्रो का इस्तेमाल करूँगा। हल्के से प्रेस करते नीचे ये उंगली से ऊपर जाना है। ये देखिए ये पेनफुल पॉइंट मिला है। उसके बाद आगे चेक करेंगे, यहाँ पे नहीं है, दूसरा हो गया। ये एक हो गया, यहाँ ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ये जो एरिया है इतने में ही चेक करना है और डायग्नोसिस प्रो को हल्के से प्रेस करना है। ये यहाँ पे भी पेन कर रहा है। कुल मिला के 4 पॉइंट हमें मिले हैं, तो अभी हमें ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल टेप का ज़रूरत पड़ेगा। मेडिकल टेप को देखिए, जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उस जगह पर मटर के दानों को लगा देना है। ध्यान रहे ये जो मटर के दाने हैं जो पॉइंट टिक मार्क किए हैं उसी पे लगने चाहिए, आजू बाजू में नहीं लगने चाहिए। और ये ऊपर से एक आगे 5। टेप चिपकाने के बाद प्रेस करके चेक करना है कि दाने सही जगह पे लगे हैं या नहीं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दाने लग जाने के बाद पेशेंट को बोलना है कि जो सीड हमने लगाए हैं उस पॉइंट को हमें हल्के से प्रेस करके जहाँ तक वो सह सके प्रेस करना है। उसके बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो तो उसको क्लॉक और एंटी क्लॉक में घुमा के उसको धीरे से छोड़ देना है और आगे पॉइंट लेना है। फिर उसी टाइप करना है, प्रेस करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक घुमाना है, छोड़ देना है, फिर आगे लेना है, प्रेस करना है, क्लॉक एंटी क्लॉक में घुमा के छोड़ देना है। ऐसा आप हर 2 या 3 घंटे बाद कर सकते हैं। और ये जो सीड हमने लगाए हैं वो 8 या 10 घंटे तक ऐसे ही रहने दें, फिर इसको निकाल के फेंक सकते हैं आप। ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 5 या 6-7 दिन तक लगातार करते रहना है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं लगेगा और आप देखेंगे कि आपको अच्छे से कमर दर्द में राहत होगा। मटर के दानों से आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है।
आप ऐसे भी एक्यूप्रेशर दे सकते हैं उस जगह पे, उसके बाद छोड़ना है।